और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। आरोप के आधार पर बुलडोजर कैसे चलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई आरोपी है, महज इस आधार पर बुलडोजर एक्शन कैसे ले सकते हैं राज्य। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कानून के मुताबिक नहीं है, खिलाफ है, और यह भी कहा कि किसी को दोषी करार देने के बाद भी बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यही नहीं थमी, उसने कहा हम इस पर निर्देश जारी करेंगे, नोटिस करेंगे, सभी राज्यों को इस पर निर्देश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अब 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद, बुलडोजर एक्शन पर याचिका पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट में गई है, एक बार किसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे सही जरूर ठहराया था, लेकिन अब कोर्ट इस पर निर्देश जारी करने की बात कर रहा है। देखिए, जिस तरह से अगली जो सुनवाई होगी इस मामले में, 17 सितंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है, वो उस तारीख की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, जिस तरह से कि बकायदा एक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देश जारी करेगा और उन तमाम राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। और इस मामले पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन की बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है कि महज इस आधार पर बुलडोजर एक्शन कैसे ले सकते हैं राज्य, यह कानून के मुताबिक नहीं है, उसके खिलाफ है। इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन है वो अपने आप में पता चलता है कि एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। और इन तमाम मसलों पर जिस तरह से एसजी के द्वारा तमाम दलीलें दी गई और एसजी के द्वारा कहा गया कि मैं कानून पर दलील दूंगा और किसने क्या याचिका दायर किए है वो आप देखें। हालांकि देखिए, इस तरह से बहुत सारे याचिकाएं दायर हुई थी, जिस तरह से आपको याद होगा दिल्ली की अगर बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, और दिल्ली की अगर बात करें विशेष तौर पर, तो दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जिस तरह से रामनवमी झांकी के दौरान में जिस तरह से वहां पे हंगामा हुआ था, उसके बाद वहां बुलडोजर चला था, तो उस बात का भी यहां जिक्र हुआ। सबसे पहले यहां सुनवाई के दौरान में उसी बात का जिक्र किया गया। हालांकि जिस तरह से आज एसजी ने कहा कि ये सिर्फ म्युनिसिपल कानून में बुलडोजर का एक्शन का प्रावधान है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि हम इस पर निर्देश जारी करेंगे, नोटिस जारी करेंगे और सभी राज्यों को इस पर निर्देश जारी किया जाएगा। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम वही कह रहे हैं जो आपराधिक कानून में किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे कर सकता है, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उसके बाद एसजी ने सुनवाई के दौरान में ही समय मांगा और कोर्ट ने इस मामले पर आगे सुनवाई का वक्त देते हुए 17 सितंबर को सुनवाई का वक्त मुकर्रर किया गया है। और इसके साथ ही जमीयत की तरफ से जो दुष्यंत दवे हैं, उन्होंने कहा कि इस मामले में तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। तो बिल्कुल, और आरोप के आधार पर बुलडोजर चढ़ना गलत है, ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। शुक्रिया शंकर आनंद अपडेट के लिए। और एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। यहां के साहिबाबाद सब्जी मंडी में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध कब्जों को बुलडोजर से तोड़ा गया, आढ़तियों की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को यहां से हटाया गया है। अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साहिबाबाद सब्जी मंडी में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। और ये तस्वीरें जो है वो आप गाजियाबाद से देख रहे हैं। यहाँ की साहिबाबाद सब्जी मंडी है, यहाँ पर जो आढ़तियों की जमीन पर अवैध कब्जे हुए थे उनको बुलडोजर एक्शन के माध्यम से हटाया गया। भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर मौजूद है। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है, बुलडोजर से जमीन को खाली कराया गया है जिस पर कहा जा रहा था कि अवैध कब्जा हुआ है। तो गाजियाबाद की साहिबाबाद सब्जी मंडी जो कि एक थोक मंडी है और यहां से आसपास के इलाकों में सब्जियां और फलों की बड़ी सप्लाई होती है, वहां पर कुछ अवैध कब्जे पाए गए जिस पर बुलडोजर एक्शन करके उसको मुक्त कराया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, पुलिस वहां पर मौजूद रही, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे और इस बुलडोजर एक्शन के माध्यम से अवैध कब्जों को, जो आढ़तियों की जमीन थी जिस पर अवैध कब्जे थे, उनको खाली कराया। इस बीच कन्नौज रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। डीएनए टेस्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। अब आरोपी नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी और इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने दी है। डीएनए जांच की रिपोर्ट पुलिस के पास आ गई है। आपको बता दें कि ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने नवाब सिंह को रात में ही गिरफ्तार किया था। तो डीएनए टेस्ट इसका किया गया था और बताया जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट आ गई है, पुलिस के पास उसकी रिपोर्ट मौजूद है और उसके बाद अब कयास तेज है कि नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी। डीएनए टेस्ट में रेप की पुष्टि हो गई है, नवाब सिंह यादव की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने वाराणसी में भाजपा नेता श्यामदेव राय चौधरी से मुलाकात की। गोदौलिया स्थित उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और दोनों नेताओं में करीब आधे घंटे तक बात हुई। आपको बता दें, श्यामदेव राय चौधरी बीजेपी से 7 बार के विधायक रह चुके हैं। श्यामदेव राय चौधरी वाराणसी दक्षिण से विधायक रहे हैं, लेकिन 2017 में बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया था। पीलीभीत में एसएसबी के जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बीमार पड़े एसएसबी के 13 जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें 11 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इन लोगों ने कैंप में खाना खाया था और उसके बाद ये फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सीतापुर में तेज रफ्तार कंटेनर पुलिस की चौकी में जा घुसा। इस हादसे में पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। कंटेनर की चपेट में आने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और साथ ही कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लहरपुर कोतवाली की भदफर पुलिस चौकी की ये पूरी घटना है। तो कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीतापुर में ये वाकया पेश आया, जहां पुलिस चौकी में कंटेनर जा घुसा, उसकी तस्वीर भी आपके सामने है और किस तरह लोगों को चोटें आई। पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं। बेकाबू होकर ये कंटेनर पुलिस चौकी में जाए। बुलंदशहर के हीरापुर गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और गोलीकांड से पहले दोनों पक्ष में धक्का मुक्की हुई थी। धक्का मुक्की और मारपीट के बाद एक पक्ष ने गोलीकांड को अंजाम दिया और गोलीकांड में एक ही पक्ष के 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। 2 लोगों का ईंटों से वार कर सर फोड़ दिया गया। पुलिस ने गोलीकांड के बाद दोनों पक्षों के 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। घटना बुलंदशहर कोतवाली देहात के गांव हीरापुर में हुई थी। तो एक ही पक्ष की ओर से गोली चली थी, बुलंदशहर की घटना। दोनों पक्ष के 15 लोगों पर अब FIR दर्ज हुई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। किस तरह मारपीट हुई, गोली चली, हीरापुर गोलीकांड का ये सीसीटीवी फुटेज है। लखनऊ में गुंडागर्दी का मामला सामने आया। कैंटीन में घुसकर मारपीट हुई। मामला गुंडबा के जगरानी हॉस्पिटल के पास का बताया जा रहा है। मामूली कहासुनी के बाद कैंटीन वाले के साथ मारपीट की गई और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्रेटर नोएडा में बिना स्टिकर लगी गाड़ी रोकने पर अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन अध्यक्ष पर डंडों से हमला किया गया। AOA अध्यक्ष पर 2 लोगों ने हमला किया और हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी का है और जानकारी के मुताबिक AOA अध्यक्ष के हाथ की हड्डी टूट गई और गर्दन और पेट में भी चोट आई है। थाना बिसरक में मामले की शिकायत की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और उन्नाव में पारिवारिक कलह के चलते एक शख्स ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों के साथ उसकी खोज में जुटी है और इस घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। नदी में छलांग लगाने वाला लड़का शुक्लागंज के चंपापुरवा इलाके का रहने वाला है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के बालूघाट चौकी क्षेत्र की यह घटना है। प्रतापगढ़ में एसटीएफ ने हत्या के आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए बाप बेटे 1 लाख रुपए के इनामी हैं। प्रयागराज एसटीएफ और प्रतापगढ़ पुलिस ने अब्दुल मजीद और सुहेल को गिरफ्तार किया है। लीलापुर थाना क्षेत्र से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। प्रतापगढ़ पुलिस ने हत्या आरोपी बाप बेटे पर 1-1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। जमीन के विवाद में पिता पुत्र ने रज्जाक की गोली मारकर हत्या कर दी और इस साल 19 मई को लोकसभा चुनाव वाले दिन खेत की जुताई करते वक्त ये हत्या की गई थी। बिजनौर से खबर है, जहां इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले मुस्लिम लेक्चरर पर क्लासरूम में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। मामला जिले के राजा का ताजपुर कस्बे का है, जहां इंटर कॉलेज में फिजिक्स लेक्चरर आबेद अंसारी पर छात्रों ने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया और उसके बाद हिंदू संगठनों ने कॉलेज पहुंचकर प्रिंसिपल से अपना विरोध दर्ज कराया, जिस पर प्रिंसिपल ने लेक्चरर आबेद अंसारी को बुलाकर धार्मिक मामलों से दूर रहने की हिदायत दी। बांदा में भाई ने भाई को खेत में लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के पीछे जमीन को विवाद की वजह माना जा रहा है। महज 3 फीट जमीन के लिए छोटे भाई पर बड़े भाई की हत्या का आरोप लगा है।
बारिश के पानी को रोकने के लिए छोटा भाई बड़े भाई की जमीन पर मेड़ बना रहा था। बड़े भाई के रोकने पर छोटे भाई और उसके परिजनों ने हमला कर दिया और पति को बचाने आए बड़े भाई की पत्नी भी इसमें घायल हो गई। मेरठ में पिस्टल से केक काटने और उसके बाद फायरिंग का वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ लोग गाड़ी के बोनट पर केक रखकर सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह एक शख्स ने पिस्टल से केक काटा और उसके बाद फायरिंग की और फिर वहां मौजूद दूसरे लोग भी दनादन फायरिंग करते दिखे। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपी शख्स की पहचान कर ली। पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी में जुट गई है। और एटा से बड़ी खबर है, एचटी लाइन की चपेट में आए तीन मजदूर। दो मजदूरों की मौके पर मौत हो गई और एक मजदूर की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। सरकारी हैंडपंप ठीक करते वक्त यह हादसा हो गया। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थाना निधौली कला क्षेत्र की यह घटना है। बागपत से खबर, आठवीं क्लास की नाबालिग छात्रा से रेप और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया। पीड़िता ने पड़ोस में रहने वाले रिजवान, वसीम और रोजू पर आरोप लगाए हैं। रेप और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप है। साथ ही छात्रा का आरोप है कि आरोपी रिजवान उसे नमाज पढ़ने और हिजाब बांधने जैसी मुस्लिम धर्म की प्रथाओं की ट्रेनिंग भी देता था। घटना शहर कोतवाली के कस्बे की है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि दो फरार हैं। घटना के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बागपत के बालेनी थाने में पटाखों में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। जोरदार धमाका होने के चलते थाने की पुरानी दीवार और बरामदा गिर गया है। पटाखों में आग कैसे लगी पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आग लगने से थाने की बिल्डिंग में रखा हुआ सामान भी जलकर खाक हो गया। आप देख सकते हैं कि बिखरा हुआ मलबा किस तरह चारों तरफ तस्दीक कर रहा है कि धमाका कितना जबरदस्त था। जब ब्लास्ट हुआ तो थाने में अफरा तफरी मच गई। थाना परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि थाने में शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसके बाद आग लगी।